आज तक लाइव आपकी आवाज स्टार इंडिया आज तक टीवी लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज की ताजा खबरों की ओर रुख करते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के युवराज सिंह ने यंग इंडिया बोल सीजन 2 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। आज झांसी स्टेशन पर युवराज सिंह का फूल माला पहनाकर झांसी की जनता ने जोरदार स्वागत किया। झांसी के इंडियन यूथ कांग्रेस से युवराज सिंह यादव ने यंग इंडियन बोल के सीजन 2 में राष्ट्रीय डिबेट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर बुंदेलखंड का नाम रोशन किया। झांसी से इब्राहिम दास की खास रिपोर्ट। खुशी तो देखती हुई बन रही है कि जिस तरह से उम्मीद से ज्यादा प्यार मिला है आप सभी का, तो उसका सदैव आभारी रहूंगा। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, बीजेपी सरकार ने इस देश से लगातार झूठ बोला है, जनहितों के मुद्दों पर लगातार गुमराह किया है और इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया है। और दुर्भाग्य की बात यह कि मीडिया का समर्थन भी उन्हें मिला है। भाजपा और मीडिया की इस जुगलबंदी को देखते हुए युवा कांग्रेस ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका शीर्षक यंग इंडिया के बोल है। इस प्रोग्राम के तहत हम ब्लॉक लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक ऐसी युवाओं की टीम तैयार करेंगे जो इनके हर झूठ को एक्सपोज करें और जनहित के मुद्दों पर मजबूती से अपनी लड़ाई लड़े। धन्यवाद। आपकी मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आपने पहले प्रोग्राम के बारे में पूछा, तो प्रोग्राम एक सुनियोजित तरीका है प्रोग्राम को चलाने का। ये 23 मार्च को प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, लॉन्चिंग हुई थी दिल्ली में, उसके बाद 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में हुई थी और फिर उत्तर प्रदेश के गांव से निकलकर, कस्बों से निकलकर जिला स्तरीय कॉम्पिटिशन हुए, फिर प्रदेश स्तरीय कॉम्पिटिशन हुए और कल हम लोगों का नेशनल लेवल का जो कॉम्पिटिशन है वो फिनिश हुआ। और आप कह रहे हैं झूठ बोलने वाली बात, तो हम पूछना चाहते हैं आपसे, आपके खाते में 15 लाख आए या नहीं आए? नहीं आए। अगर नहीं आए तो फिर ये झूठ बोला गया क्या नहीं बोला गया? आप झांसी को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे, आज देखिए कि कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं हर जगह। तो भाजपा सरकार में हर आज 2022 है, बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ पे किसान होंगे, बोगनी आई हो गई होगा अगर किसी की तो मुझे बता दे। कोई भी कच्चा घर नहीं होगा, हर छत पे मकान की बात कर रहे थे, अगर हो गई हो तो बता दे। तो भाजपा ने जितना बोला है वो झूठी बोला है, जितना जब भी वो बोले तो एक लाइन ऐड कर लेनी चाहिए, ये सारी बातें काल्पनिक है, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। नगर निगम में 100% दिखेगा। और आप देखिए हुजूम की बात कर रहे हैं, राहुल जी के साथ जो हुजूम चल रहा है वो देश की राजनीति को एक नई दिशा देगा।